राशिद जी आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, क्या बहुत ज्यादा किरकिरी नहीं करा दी है अशोक गहलोत ने पार्टी की? सवाल का दूसरा हिस्सा, क्या अब वो मुख्यमंत्री पद पर ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि वो चलते रहेंगे? क्योंकि वो बार बार फोन पर सफाई दे भी दें अगर कि उन्होंने चुनौती नहीं दी है, लेकिन अभी भी डेडलॉक उसी तरह से बना हुआ है, ये सीधी चुनौती नहीं है तो क्या है फिर? जी अंजना, देखिए जो ये पब्लिक परसेप्शन और ऑप्टिक्स होता है उसमें कांग्रेस को पूरे तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। चाहे हम उसमें दोष जो है अशोक गहलोत को दें या गांधी परिवार को दें या कांग्रेस के जो लोग वहां पर गए थे अजय माकन को दें, बात यह है कि तो कांग्रेस इस समय डैमेज लिमिटेशन एक्सरसाइज में है। उसका पहली कोशिश ये है कि अशोक गहलोत को साथ ले कि वो उन्होंने कोई बगावत नहीं की। देखिए मीटिंग जो बुलाई गई थी वो अशोक गहलोत के नाम से बुलाई गई थी, सीएलपी मीटिंग, और उसमें कभी भी कांग्रेस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मीटिंग बुलाई गई हो और पार्टी के विधायक ना पहुंचे गए हो। और बिल्कुल जिस तरह की बातें हुई, तो अभी पार्टी एक अपना अपर हैंड लेना चाहती है, फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है उसको सेटल करना ठीक है, चाहती है। अशोक गहलोत अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं तो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। आपको ये अटपटा लगेगा लेकिन ये संभव है। ठीक है, अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं तो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। आपकी आखिरी लाइन में पूरी खबर छिपी दिखाई दे रही है मुझे। जी देखिए, कोई उनको विवाद अशोक गहलोत से नहीं, अशोक गहलोत तो पुराने चावल है, 71 से पार्टी में से जुड़े हुए हैं, कभी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो एक ऐसा स्टैंड लिया, झगड़ा उनका सचिन पायलट से था लेकिन बेइज्जती उन्होंने गांधी परिवार की कर दी, तो इसके लिए उनको एक मौका सोनिया गांधी दे रही है कि वो अपना भूल सुधार करें, अपने आप को मतलब एक तरीके से सरेंडर करें, और जब सरेंडर करेंगे तो उसके उपलक्ष्य में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का तोहफा दिया जा सकता है, बशर्ते वो पद छोड़ने के लिए तैयार हो। सवाल नंबर टू, सचिन पायलट का क्या होगा? क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत ने तो उनको जानी दुश्मन बना लिया है, जानी दुश्मन बना लिया है, मतलब उनको अब अपने अध्यक्ष पद की, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है कि सचिन पायलट को वहां नहीं बैठने देना है। क्या सचिन पायलट को अशोक गहलोत के इन मतलब गुस्से के बावजूद सीएम बनाया जाएगा? देखिए अंजना जी, ये पहले दिन से झगड़े की जड़ यही है। तो दो बार अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, दोनों से राजस्थान के बारे में बात करने की कोशिश की। जब भी बात की तो उनसे कहा गया कि आप राजस्थान का मामला हम पे छोड़ दीजिए, आप अध्यक्ष बनिए। तो अशोक गहलोत इस बात को या तो समझना नहीं चाहते थे या समझे नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भूल सुधार का काम जो है वो अशोक गहलोत को करना है। और देखिए कांग्रेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आउटगोइंग जो जो मुख्यमंत्री जा रहा है वो अगले मुख्यमंत्री का चयन करे। ये काम तो कांग्रेस लीडरशिप के हक में, और इसीलिए यहीं पर नेहरू गांधी परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा दांव के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिद में ये बात दिखाने के लिए देश को और पार्टी को कि हाँ हम ही हाईकमांड है, वो सचिन पायलट को बनाएंगे। सचिन पायलट ने अपने पत्ते अच्छे से खेले, वो उन्होंने अपने आप को अशोक गहलोत से वो टकराए नहीं, तो इसलिए वो सदा वो खेल किया है। अब ऐसा लगता है कि जब हालात सामान्य अगर होंगे तो सचिन पायलट को ही उसकी कमान मिलेगी, क्योंकि 23 का चुनाव बड़ा कठिन है। और अंजना जी, कांग्रेस जन को लगता है कि शायद सचिन पायलट ही कुछ कांग्रेस का प्रदर्शन वहां राजस्थान में बेहतर करा सके। बिल्कुल, और जो हमारे दर्शक हैं उनको हम बता दें कि राशिद किदवई को कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स की बड़ी अच्छी समझ रहती है, और इसीलिए आज हमने शुक्रिया। इन्हें खास मेहमान करके बुलाया है, क्योंकि उन्होंने पूरी एक लंबा वक्त समझा है कि कांग्रेस की फंक्शनिंग किस तरह से होती है। अब गौरव भाटिया जी आपकी बारी है। अब तो लग रहा है कि मामला निपटा लेंगी सोनिया गांधी, पेशेंस के साथ उन्होंने डील किया, कल बुलाया, आज अशोक गहलोत से भी बात हो गई और सुलझ जाएगा मामला। तो आप लोग के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही आज की शाम? अंजना जी, सबसे पहले आप कह रही हैं ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी मामला निपटा देंगी, जनता तो ये कह रही है ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को ही निपटा देंगे। और देखिए इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले राजस्थान की जनता, प्रदेश का हित, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। और मैं एक ही बात कहूंगा, इस एक लाइन में सार छुपा है अंजना जी, अशोक गहलोत ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता, सहायता कोई नहीं कर रहा है, रायता फैला हुआ है हर जगह। रायता फैला अजय माकन जी का, रायता फैला धारीवाल जी का, रायता फैला है सचिन पायलट अशोक गहलोत का। और देखिए जो सोनिया गांधी जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, मुझे ऐसा लगता है
राशिद जी ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब दिवालिया हो गई है। और आपने देखा होगा एक अंग्रेजी का धारावाहिक है जिसको कहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स, तो यहां पे ये कहना गलत नहीं होगा चेयर ऑफ थॉर्न्स, कांटों की कुर्सी है। और अजीब विचित्र अध्यक्ष पद है, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ये दो तीन चीजें मैं पूछूंगा, कोई भी उत्तर दे दे। कांग्रेस के प्रवक्ता तो आज गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग, लेकिन कोई भी व्यक्ति उत्तर दे सकता है अगर चाहे। पहला, ठीक है, आप मुझे ये बताइए, अशोक गहलोत जी खुद ही कह रहे थे 3 दिन पहले कि मैं नामांकन करूंगा, पर्चा भरूंगा। आज क्या स्थिति है, क्या वो नामांकन भरेंगे? और अगर नहीं भरेंगे तो क्यों नहीं भरेंगे? क्या नामांकन भरने के लिए सोनिया गांधी जी से पूछ के भरना पड़ता है? दूसरी बात, कितनी विचित्र बात है, एक औपचारिक ऑफिशियल बैठक होती है और उस औपचारिक बैठक में कोई आता ही नहीं है विधायक, और उसके बाद अंतरकलह चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो साख थी ना गांधी परिवार की, देखिए मैं अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर लूंगा, ठीक है, ये जल्दी। अहम मुद्दा है। देखिए साख क्या थी, जो कांग्रेसी चमचे आते थे उनका एक ही गुरूर था, ठीक है, कि सोनिया गांधी जी की अगर आंखें हिल गईं तो वो काम पूरा हो जाएगा। यहां सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आंखें नहीं हिला रहे, खुद हाथ भी हिला रहे हैं, सब कुछ आदेश दे रहे हैं, तो भी अशोक गहलोत सुन नहीं रहे हैं। ये दिखाता है जो गुरूर है ना, उस गुरूर पे चोट लगी है, और किसी के गुरूर पे चोट नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत जी फिदाई हैं, ये कांग्रेस को हो सकता है नष्ट कर दें।